यार अरे ये देखिए ये बस हम लोग गांव वाला है लेकिन हम लोग का दिल भरा है। बार गांव में जन्म लेकर देखिए, अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा तो मैं एक कान काट दूंगा, नाक का होल से बंद कर दूंगा, आपको गारंटी देता हूँ। आप हेलो गाइस, मैं नारायण स्वागत करता है एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। सो गाइस, आज का वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरा गाँव। एक्चुअली मैं गाँव का रहने वाला हूँ, तो देख लीजिए सारे तरफ, यही मेरा गाँव है। गाँव के पीछे जो खेत है, फिलहाल हम लोग का इस सीजन में कौन सा खेत मतलब ज़्यादा है वो आप लोग को थोड़ा दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो गाइस, खास करके आप लोग जिस तरफ नजर डालेंगे सारा टाइप सरसों का खेती खेती आप लोग को दिखाई देंगे। देखिए इस तरफ से पूरा सारा टाइप देखिए येलो येलो आप लोग को दिखाई देंगे, यानी कि ये सब है सरसों का खेत। तो देखिए ये सरसों का खेत कितना ज़्यादा हम लोग का यहाँ होता है, तो देख लीजिए सारे तरफ केवल सरसों और सरसों। तो इस तरफ जो है थोड़ा बहुत और टमाटर है, टमाटर का पेड़, और ये बड़बड़ी है। ये देखिए ऐसा ही कुछ खेत है, फिलहाल नेट जो है नेट से मतलब इसको ऐसे कर दिया ताकि इसमें जो बकरी गाय ये सब ना घुसे इसलिए। और सरसों का खेत देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में। देखिए इस सीजन में, फिलहाल इस सीजन में सरसों का खेत ज़्यादा है। तेल का खाने वाला तेल जो है सरसों तेल, उसका कितना लीटर हो गया, पहले हम लोग का इधर तो मान लीजिए आप लोग को 90 या 120 था, अभी फिलहाल 220 रुपये, यानी कि 180 ऐसा हो गया, क्वालिटी लेके हो गया। सो इसलिए ज़्यादा लोग क्या कर रहा है अभी फिलहाल सरसों का खेत कर रहा है। अब गाइस, जो लोग कहते हैं कि गांव में जन्म लेना पाप है, गांव कुछ अच्छा नहीं है, वो लोग को बोलता आप लोग एक बार गांव में जन्म लेकर देखिए, अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा तो मैं एक कान काट दूंगा, नाक का होल से बंद कर दूंगा, आपको गारंटी देता हूँ आपको मजा ही मजा आएगा गाँव में। गाँव में क्या नहीं है गाइस, सोचिए क्या नहीं है। सारे तरफ हरियाली हरियाली मिलेगा, ताजे सासे मिलेगा, ग्रीनरी ग्रीनरी, इसके बाद जो खाना पीना मछली दारू सब कुछ यहाँ फ्री में मिलता है आप लोग को। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी, आप देखिए अभी सब्जी खरीदना है, सब्जी खुद मतलब उगाता हूँ, खुद खाता हूँ, तो कितना मजा आएगा। सोच लीजिए गाँव में जन्म होने का फायदा कितना सारा है। आप लोग शायद सोच रहेंगे कि गाँव वाला है वो, ऐसा नहीं कि गाँव वाला भी भाई, अभी बहुत सारा कॉमेंट ऐसा वीडियो भी मैं देखा हूँ कि गाँव का लोग को कोई मतलब इज्जत नहीं करता, जो बाहर का जो रेस हाथ में उन लोग को कितना ज्यादा सपोर्ट करता है, प्यार करता है। ऐसा नहीं, हम लोग गांव वाला है लेकिन हम लोग का दिल भरा है। आप लोग शहर वाला हो सकता है लेकिन आप लोग का दिल जो है हम लोग का तरह भरा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आप एक बार हमारे घर आके देखिए, हम लोग आप लोग को कैसे खिलाता हो, कैसे रखता हो, कैसे सेवा करता हूँ। और एक अमीर आदमी के घर जाके देखिए, वो लोग आपको कैसा मतलब सेवा करता है, कैसे आप लोग का ख्याल रखता है, तभी आप लोग को पता चलेगा कि गाँव और शहर में फर्क क्या होता है। तो गाइस देखिए, मेरे गांव का नजरा यही कुछ है, फिलहाल देख लीजिए सारे तरफ। ये जो स्कूल है जिसमें मैंने पढ़ाई किया था, उसी स्कूल की वजह से आप लोग मुझे देख पा रहे हो कि मैं एक स्कूल में पढ़ाई किया था। गाइस यही स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जिसे कहते हैं। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ गाय लेने के लिए, तो आज से आप ब्लॉग में ना ही बीबी आएगा ना ही बच्चा आएगा, मैं कुछ आप लोग को बोलने के लिए आया हूँ। गाइस अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, और उस साइड भी दिखाता हूँ क्या क्या है। तो चलिए, ये मधुमक्खियों की शाख है, आप लोग शायद आप लोग को दिख रहा है कि वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट से देख रहा हूँ। देखिए मधुमक्खी, ये देख लीजिए, ये रहा मधुमक्खियों का शाख गाइस, ये रहा देख लीजिए आप लोग इसमें। तो देखिए यार अरे ये देखिए, देखिए गिर गया गाइस, गिर गया, देखिए शायद यहाँ पर काट लिया मुझे। तो गाइस बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि देखिए अभी मैं उस साइड से नहीं जा सकता, लगता है ऐसे किसी सीरिया ने इसको मतलब छेड़ के गया होगा, इसलिए इतना गुस्सा है। तो मैंने दिखाने गया था आप लोगों को लेकिन नहीं हो पाया गाइस, अभी मेरे को ही काट लिया, अभी पता नहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द देने लगा अभी से। तो गाइस,
तो गाइस देखिए ऐसा भी गांव है हम लोग का, मधुमक्खियों ने आप लोग को काटेगा, क्या क्या नहीं काटेगा पता नहीं, फिर भी गांव कितना बढ़िया है तो देख लीजिए इस तरह का गांव होने से कितना फायदा है, एक बार गांव में आके देखिए आप। ये देखिए ये धान यानी कि जिससे चावल बनता है उसका खेत हुआ था, इसमें अभी कटिंग कर दिया, वो देखिए वो लोग अभी भी कटिंग कर रहा है। तो यही मेरा गाय है, इसको लेकर अभी जाऊंगा घर के लिए। देखिए हम लोग का यहाँ घर जो है पूरा मिट्टी का घर ही होता है, ज्यादातर मिट्टी का घर ही मिलेगा, यहाँ पक्की घर बहुत कम मिलेगा। देखिए उठा उठा, तो कैसे ऐसा ही कुछ नजर है हम लोग का गांव का। तो फिलहाल हम लोग इधर जितना भी घर मिलेगा सारा तो पूरा घर ऐसा ही है। और ये देखिए पेतुली अभी धान लेके आया है, ये भी अभी किया था कटाई करने के लिए, ये लेके आया धान, तो ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो कैसे आज का वीडियो यही तक था, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट में बोलेगा आप लोग को क्या क्या ठीक लगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टाटा।